बच्चों नमस्कार। ठीक हैं आप? और सुनाइए, क्या हाल चाल है? तैयारी चल रही है क्या? ये मल्टीपोलर बाईपोलर आपके याद हो गया अच्छे से? मैं कोई ना मैसेज करते आपकी, हाँ जी हो गया, आवाज़ तो खैर आपकी आती ही नहीं, तो प्लीज़ इसे अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब हेडिंग डाल रहे हैं, एक सेकंड रुको, गेट खोल दें। हाँ जी बच्चों, हम ये कह रहे हैं अब अच्छे से हेडिंग डालिए, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके स्कूल के एग्ज़ाम में आना चाहिए। आपने क्या आना चाहिए सर? हमने आना चाहिए कंडक्शन पहले, जनरेशन, नर्व इम्पल्स कैसे बनती है, जनरेशन एंड कंडक्शन कैसे नर्व इम्पल्स बनती है। जैसे हमने यहाँ पर टच किया तो हमें पता लग गया कि भाई किसी ने टच किया है। आपने कहा वो तो सर हम आँख खोलकर देखने से टच का पता लग जाएगा। हमने कहा हमने आँख भी बंद कर रखी है और हम जागे हुए हैं, कॉन्शियस माइंड है हमारा, चेतना में है, होशो हवास में है, तो टच करते ही पता लग जाएगी। कैसे पता लगी? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई वेव, यहाँ पर एक वेव बनी है, एक करंट बना है और वो करंट हमारे ब्रेन तक गया है, ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है। तो ब्रेन आप जानते हैं मेजर साइट है प्रोसेसिंग की। तो कैसे ये करंट बना, कैसे ये नर्व इम्पल्स बनी और कैसे ये कंडक्ट होती है टूवर्ड्स द ब्रेन? या अब हमने देखा है, हम कॉकरोच टच हुआ था, कॉकरोच बैठा था, अब कैसे ब्रेन से मैसेज आया इस हाथ में और हमने इस हाथ से इसको मार दिया या भगा दिया, तो कैसे ब्रेन से मैसेज आता है, कैसे इम्पल्स आती हैं, कैसे इम्पल्स जाती हैं, ये हमें सीखना है। तो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, और इतना आपने समझ लिया था कि इन इम्पल्स को लाने और ले जाने का काम था पीएनएस का। पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो पेरिफेरी से, बॉडी की पेरिफेरी से, जैसे ये एक ह्यूमन है, एक समझने के लिए ह्यूमन है, ठीक है, ये नहीं कि ये ह्यूमन ही दिख रहा है बिल्कुल, समझने के लिए एक ह्यूमन है। ये हमारा ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये पेरिफेरी है, पूरी बॉडी की पेरिफेरी ये रही, देखिए दिस इज़ द पेरिफेरी। किसी ने टच किया तो यहाँ से मैसेज जाता होगा ना ब्रेन में, तो नर्व लेकर जाती हैं, फिर ये मसल्स में मैसेज आता है, हटाओ भाई पैर, तो मैसेज आया, पैर हट जाता है। यहाँ कॉकरोच बैठा तो ये इम्पल्स गई ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में गई, वहाँ से ब्रेन में गई, ब्रेन ने प्रोसेसिंग करी, इस हाथ को मैसेज भेजा, हटाओ भाई इसे, तो मैसेज भेजा यहाँ, और ये हाथ इसको हटा के भगा देता है इसको। तो समझाने का मतलब, जो पेरिफेरी से, बॉडी की पेरिफेरी से मैसेज लाए और पेरिफेरी तक ले जाए, उसे बोलते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और उसमें इंक्लूड होती है नर्व, जो लाती है ब्रेन में सीएनएस में, उसे आप कहते हैं सेंसरी एफरेंट, सेंसरी या एफरेंट, सेंसरी या एफरेंट एक ही बात है। जो सीएनएस में लाती हैं, ठीक है, ये सीएनएस की तरफ आती हैं, और जो सीएनएस से जाती हैं मैसेज लेकर, आपने कहा सर वो तो मोटर थी, हमने यस राइट यू आर, या इफरेंट थी, ई डबल एफ इफरेंट थी ये। हाँ जी, तो कैसे इम्पल्स बनती है, नर्व इम्पल्स बनती है, तो ध्यान से देखिए, ये एक न्यूरॉन हम बना रहे हैं, समझाने के लिए मल्टी सेलुलर ही बनाया जाता है, सॉरी मल्टी सेलुलर कह रहे हैं, मल्टीपोलर, सॉरी मल्टीपोलर। ये एक्सोन एंड है, एक्सोन टर्मिनल्स हैं, एक्सोन टर्मिनल्स हैं, एक्सोन टर्मिनल पर सिनेप्टिक नोब्स हैं, सिनेप्टिक नोब्स हैं, ठीक। दिस इज न्यूक्लियस, ये अंदर साइटोप्लाज्म है, पर जो एक्सोन में है उसे क्या बोल देते हैं? आपने कहा एक्सोप्लाज्म बोल देते हैं सर, हमने ठीक है, हमने कहा ये क्या है, आपने कहा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमने भाई न्यूरॉन किए तो न्यूरल मेम्ब्रेन कह दो, प्लाज्मोलेमा कह दो, और एक्सो एक्सोन की है तो एक्सोलेमा कह दो, है तो ये पूरी यहाँ से लेकर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही, पर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम न्यूरल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, न्यूरल मेम्ब्रेन।
इसी को हम और आप एक्सोलेमा भी कह सकते हैं, लेकिन दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स हैं, एक एक्सोन और दो या दो से ज़्यादा जब डेंड्राइट्स हो, तो आपने कहा मल्टीपोलर न्यूरॉन दिखा दिया है हमने, हाँ जी, पर हमने कहा मल्टीपोलर न्यूरॉन समझाने की हमारी ड्यूटी नहीं है, अब हमारा काम कुछ और है। ये इस समय रेस्टिंग न्यूरॉन है, दिस इज द रेस्टिंग न्यूरॉन, और हम ये समझ रहे हैं कि इंपल्स बनती कैसे है। हमेशा याद रखिए लाइफ में नर्व इंपल्स हमेशा हमेशा सेल बॉडी से एक्सोन एंड की तरफ चलती है, हमेशा सेल बॉडी से एक्सोन एंड की तरफ चलती है, सेल बॉडी से एक्सोन एंड की तरफ, कोई एक्सेप्शन केस नहीं है, कभी भी एक्सोन एंड से सेल बॉडी की तरफ नहीं जाती। तो जो डायरेक्शन है नर्व इंपल्स का वो है हमेशा सेल बॉडी टू एक्सोन एंड। छोटे छोटे पॉइंट याद रखोगे तो ये टॉपिक समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हमने कहा ये रेस्टिंग न्यूरॉन है, आपने कहा रेस्टिंग न्यूरॉन किसे कहते हैं, हमने जो न्यूरॉन नर्व इंपल्स कंडक्ट ना कर रही हो उसे रेस्टिंग कहते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप क्या कहते हो, मैं रेस्ट कर रहा हूँ, कुछ कर रहे हैं तो आप वर्किंग है, तो जब आप कुछ नहीं कर रहे तो यू आर इन रेस्ट। तो ऐसी ये है रेस्टिंग न्यूरॉन, और रेस्टिंग न्यूरॉन मतलब इज नॉट कंडक्टिंग, इज नॉट कंडक्टिंग नर्व इंपल्स। ये नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रही, और रेस्टिंग न्यूरॉन अकर्स इन पोलराइज्ड स्टेट। रेस्टिंग न्यूरॉन हमेशा पोलराइज्ड स्टेट में होता है। आपने कहा ये क्या होती है, हमने अभी बताते हैं ये क्या होती है। हमने पोलराइज्ड स्टेट मतलब इन पोलराइजेशन, आपने कहा अभी भी क्लियर नहीं है व्हाट डू मीन बाय पोलराइजेशन, हमने अभी सब क्लियर हो जाएगा, आप सुनते तो रहिए। और हमने कहा हर सेल के चारों तरफ आप जानते हैं सराउंडिंग में फ्लूड होता है, तो इस ये भी एक सेल ही है, जस्ट न्यूरॉन इज ऑल्सो ए सेल। न्यूरॉन अपने आप में एक सेल और एक्साइटेबल सेल है, स्टिमुलस मिलता है तो एक्साइट होती है, इंपल्स बनाती है, कंडक्ट करती है, तो न्यूरॉन क्या है, एक्साइटेबल सेल है। इस सेल के बाहर भी बॉडी फ्लूड है, दिस इज द बॉडी फ्लूड, चारों तरफ बॉडी फ्लूड है, और बॉडी फ्लूड के अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम आयंस है, एक ब्लैक पेन और ले लें, सोडियम आयंस है, बहुत ज़्यादा सोडियम आयंस है, यानी सोडियम आयन की कंसंट्रेशन आउटसाइड द न्यूरॉन बहुत ज़्यादा है। ये देखिए आपने कहा बहुत ज़्यादा है, तो सर ये सेल के अंदर क्यों नहीं जा रहे, अंदर क्यों नहीं चले जाते, हमने यहाँ पर इस न्यूरल मेम्ब्रेन में आयन चैनल्स तो है, आयन्स अंदर बाहर जाने के लिए चैनल्स तो है, बट दे आर क्लोज्ड फॉर सोडियम आयन्स, सोडियम आयन्स के लिए क्लोज्ड हैं। भाई अगर किसी दरवाजे, किसी घर के दरवाजे बंद हैं तो हमारे लिए इम्परमेबल हो गया ना वो, हमें हम अंदर जा सकते हैं और अंदर हैं तो बाहर नहीं आ सकते, तो इम्परमेबल हो गया। अगर हम ये कहें कि दिस न्यूरल मेम्ब्रेन, सुनते रहना, देखो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे इम्पोर्टेंट ज़्यादा और कोई नहीं आने वाला, मतलब समझने के तौर पर, एग्ज़ाम में तो और बहुत कुछ आएगा, जिस दिन लास्ट क्लास होगी उस दिन का भी आ सकता है, पर समझने में इम्पोर्टेंट ये है। अगर हम ये कह रहे हैं कि दीज आर आयन चैनल्स और ये आयन चैनल्स क्लोज है सोडियम आयन्स के लिए, तो ये मेम्ब्रेन सोडियम आयन्स के लिए इम्परमेबल हो गए ना, जो एंट्री ना कराए इम्परमेबल, तो इन रेस्टिंग न्यूरॉन न्यूरल मेम्ब्रेन इज़ इम्परमेबल फॉर सोडियम आयन्स, सोडियम आयन्स के लिए इम्परमेबल है, अदरवाइज वो बाहर ज़्यादा है तो बाहर से कम की तरफ अंदर डिफ्यूज हो जाते, पर नहीं हो सकते क्योंकि आयन चैनल्स आर क्लोज फॉर सोडियम आयन्स, तो दीज आर आयन चैनल्स।
प्रेजेंट इन न्यूरल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट इन न्यूरल मेम्ब्रेन। इसके अलावा बाहर पोटेशियम आयंस भी हैं, लेकिन पोटेशियम आयंस आर प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म इन हायर कंसंट्रेशन, अंदर बहुत ज़्यादा है और इसके लिए परमेबल भी है, अंदर ज़्यादा है, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ आते रहते हैं, बाहर ज़्यादा होते तो अंदर आने लगते हैं। यानी कि रेस्टिंग न्यूरॉन की जो न्यूरल मेम्ब्रेन है इट इज़ परमेबल फॉर पोटेशियम आयंस। इसका मतलब चैनल्स फॉर पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट्स प्रेजेंट इन न्यूरल मेम्ब्रेन आर ओपन। तो न्यूरल मेम्ब्रेन में वो चैनल ओपन है जो पोटेशियम आयंस को अंदर बाहर करा सकते हैं, इसलिए इसके लिए परमेबल है। सोडियम आयन के आपने कहा कि हर आयंस के चैनल अलग अलग होते हैं, हमने यूजली, तो बिल्कुल सोडियम आयंस के लिए चैनल बंद है तो इसलिए इसके लिए हम परमेबल है। उसके अलावा एक्सोप्लाज्म के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, सुन के लिख लेना, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी है अंदर। आपने कहा अंदर या बाहर, हमने कहा हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए पहले आप, आ जाओ जी, कोर्स में है ये, हम ये देख रहे थे, कभी हम ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा दें तो बिल्कुल बुक में लिखा है। तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एक्सोप्लाज्म में है और इसके लिए भी क्या है, इसके लिए भी ये इम्परमेबल है। तो यानी हमने तीन बात पढ़ी, एक रेस्टिंग न्यूरॉन है, न्यूरॉन अपने आप में एक्साइटेबल सेल है, ये एक्साइट हो जाती है स्टिमुलस लेने पर, इम्पल्स बनाती है और इम्पल्स आगे कंडक्ट भी होती है। कंडक्शन हमेशा सेल बॉडी से एक्सोन एंड की तरफ होता है, जो नेचर ने फिजियोलॉजी बनाई कि भाई कंडक्शन कहाँ से होगा, तो हमेशा एक्सोन एंड से सेल बॉडी से एक्सोन एंड की तरफ होगा। एक रेस्टिंग न्यूरॉन हमारे पास है, रेस्टिंग न्यूरॉन उसे कहते हैं विच इज़ नॉट कंडक्टिंग एनी नर्व इम्पल्स, जिससे नर्व इम्पल्स नहीं जा रही, इसका मतलब वो रेस्टिंग में है और वो पोलराइज स्टेट में होता है रेस्टिंग न्यूरॉन। ये हमें सीखना बाकी है, ये अभी सीखा नहीं है, बस लिखा है जस्ट। और रेस्टिंग न्यूरॉन की जो न्यूरल मेम्ब्रेन है इट इज़ इम्परमेबल फॉर सोडियम आयंस विच आर प्रजेंट इन अबंडेंट क्वान्टिटी इन सराउंडिंग बॉडी फ्लूड। बॉडी फ्लूड में सोडियम आयन बहुत ज़्यादा है, यानी कि सोडियम आयंस आर प्रजेंट आउटसाइड द न्यूरोन IE.coma इन बॉडी फ्लूड ब्रैकेट के बाहर इन अबंडेंट क्वांटिटी फुल स्टॉप। न्यूरल मेम्ब्रेन is impermeable for sodium ions। तो कुल मिलाकर बाहर आयंस ज़्यादा हैं, सोडियम आयंस भी हैं जिसमें पोटेशियम भी है, अंदर के कंपैरिजन में बाहर ज़्यादा हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और लिख दें, किसके लिए परमिएबल है, न्यूरल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्परमेबल, खाली सोडियम आयंस के लिए नहीं है, परमेबल किसके लिए, साथ में इम्परमेबल फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, कहाँ पर है, कोमा, प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म यानी एक्सोन के अंदर है, एक्सोप्लाज्म के अंदर बंद है। परमेबल किसके लिए है, इसे भी लिख देते हैं, तीन पॉइंट हो गए, एक पॉइंट, दो पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, न्यूरल मेम्ब्रेन
इज परमेबल फॉर पोटेशियम आयंस। एक बार देख लें कैमरे में लाइन आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही है जी। मेम्ब्रेन विच आर, सुन के लिख लेना, विच आर अबंडेंट इन, जो ज़्यादा है अबंडेंट इन एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म में ज़्यादा है, बट उसके लिए परमिएबल है ये मेम्ब्रेन, राइट। तो अंदर आयंस हैं, बाहर भी आयंस हैं, पर कंपैरेटिवली बाहर ज़्यादा है एज कंपेयर टू एक्सोप्लाज्म। पर ये जो न्यूरल मेम्ब्रेन है ये इम्परमेबल है सोडियम आयंस के लिए, इसलिए वो बाहर से अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि उसके लिए इम्परमेबल है, आयन चैनल्स बंद हैं, क्लोज हैं। अंदर से नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि उसके लिए भी चैनल बंद हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते, इम्परमेबल है। बट पोटेशियम आयन अंदर बाहर होते रहते हैं, बिकॉज दिस न्यूरल मेम्ब्रेन इज परमेबल फॉर पोटेशियम आयन इन रेस्टिंग कंडीशन, राइट। कुल मिलाकर बाहर आयंस ज़्यादा हैं, तो बाहर चार्ज है, बाहर के मेम्ब्रेन पर चार्ज है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। बाहर आयंस ज़्यादा, अंदर आयंस कम है, तो बाहर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज है मेम्ब्रेन पर। आपने कहा आप तो ऊपर नीचे बना रहे हैं, हमने मेरे बेटे ये बना रहे हैं हम, ये एक्सोन है, यहाँ चारों तरफ ये हमने चार्ज दिखा दिया है, चारों तरफ इस मेम्ब्रेन पे चार्ज है, लेकिन जब हम बोर्ड पर बना रहे हैं तो ये ऊपर और नीचे हो जाएगा ना, वैसे ओरिजिनली अराउंड द एक्सोन है, पर वैसे देखने में ये ऊपर और नीचे लग रहा है आपको। और अंदर की तरफ आयंस कम है, अंदर की तरफ जैसे देखो, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज, पर अंदर की मेम्ब्रेन पर, यहाँ पर अंदर की तरफ आयंस कम है, तो हम कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, तो अंदर से इलेक्ट्रोनेगेटिव और बाहर से इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जब रेस्टिंग न्यूरॉन में जब एक तरफ चार्ज पॉजिटिव हो, आउटसाइड पॉजिटिव है, अंदर इनसाइड नेगेटिव है, इस कंडीशंस को ही पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन का मतलब है ये हमने इतना एक्सोन ले लिया है, इतना पोर्शन एक्सोन का समझने के लिए ले लिया है, ये हमने ये ले लिया है। तो व्हाट डू मीन बाय पोलराइजेशन? पोलराइजेशन मतलब व्हेन देयर इज ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एट द मेम्ब्रेन, एट द न्यूरल मेम्ब्रेन, एट द एक्सोलेमा। तो जब मेम्ब्रेन पर क्या हो, चार्ज हो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, बाहर आयंस ज़्यादा हैं, अंदर आयंस कम हैं, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है आयंस की और अंदर की तरफ लो कंसंट्रेशन है। और ये आपको बातों बातों में पता नहीं कितनी बार हम बता चुके हैं, जब कोई चीज़ एक तरफ ज़्यादा हो एक तरफ कम हो तो उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को आज की क्लास से तीन बार लेना प्लीज़। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को एक और मेंटेन करता है एक प्रोसेस, वो है सोडियम आयन पंप। सोडियम आयन पंप किसे कहते हैं? ये तो इम्परमेबल है सोडियम के लिए, ठीक है, लेकिन अंदर से तीन सोडियम आयन बाहर धकेले जा रहे हैं। नीट के लिए याद रख लीजिएगा इस बात को, तीन सोडियम आयन बाहर धकेले जा रहे हैं और बाहर से दो पोटेशियम आयन अंदर लिए जा रहे हैं, अंदर लिए जा रहे हैं। इसे बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। जहाँ पंप लग जाए, जैसे हमने कहा हैंड पंप, तो आपने कहा समझ गए ऐसे प्रेशर से पानी खींचते हैं ज़मीन में से। हैंड पंप देखे भी होंगे आपने कभी, नानी जी नाना जी के गए हों गांव वगैरह में, अब तो गांव में भी नहीं है पर हमने देखे हुए हैं। गांव तो खैर हमारा भी कभी नहीं है कोई, शहरों में रहते थे हमारे दादी बाबा जी और नानी जी, पर हम कस्बों में गए हैं कई बार, तो ऐसा हैंड पंप देखा होगा आपने, चलाया भी है हमने खूब, चला के पानी भी पिया हुआ ऐसे लगा के, आपने भी कई बच्चों ने करा होगा ये मजाक। तो हमें पंप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम अगेंस्ट ग्रेविटी खींच रहे हैं ना पानी को, तो इसलिए पंप कह रहे हैं। अब आप साइकिल कभी चलाते नहीं, पर हमने और आपके पापा जी ने खूब चलाई हुई है, और पता हवा कैसे भरते थे, आप तो गाड़ी में बैठे बैठे 10 का नोट दिखाते हो, 20 का नोट दिखा दे, ओए हवा भर दे, पता हम क्या करते थे, हम और आपके पापा, यानी हम और आपके पापा जी क्या करते थे, साइकिल चलाते थे, कहीं साइकिल वाला देखा वहाँ फ्री में हवा भरनी होती थी, वहाँ एक पंप रखा होता था, ऐसा एक पंप होता था, पापा जी से अभी पूछना आप, ये ऐसे नीचे दो क्लिप निकले होते थे, इन पे पैर रखते थे दोनों पे ऐसे, इन दोनों पे एक पैर इस पे एक पैर इस पे रखते थे, दबाते थे, और इसमें ये पंप होता था और इसको ऐसे भरते थे,
ऐसे भरते, फ्री में भर के चल देते थे। तो इसे भी पंप कह रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ जब एनर्जी लगा के करते हैं तो वो पंप है, वो अगेंस्ट है तो पंप है। तो यहाँ पर भी एनर्जी लगा के, नॉर्मली तो सोडियम आयन ना अंदर से बाहर आ सकते हैं ना बाहर से अंदर जा सकते हैं, बिकॉज न्यूरल मेम्ब्रेन इज इम्परमीएबल फॉर सोडियम आयन्स। कहाँ चले गए भाई, ये रहा देखो, इम्परमीएबल फॉर सोडियम आयन्स। ये आ गया। तो इसलिए यहां पर एक सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा है। एक एटीपी खर्च होता है, एक तो बाहर देखो, ध्यान से देखना, एक तो बाहर पहले से आयन ज्यादा थे, ऊपर से सोडियम पोटेशियम पंप चल गया, कुल मिलाकर क्या हो रहा, बाहर से दो लिए जा रहे हैं और अंदर से दो तीन धकेले जा रहे हैं, तीन बाहर किए जा रहे हैं, दो लिए जा रहे हैं, हर बार एक बाहर ज़्यादा हो रहा है, हर बार एक बाहर ज़्यादा हो रहा है। अगर हम बाहर से अंदर से तीन सोडियम आयन बाहर धकेलते, बदले में तीन पोटेशियम आयन अंदर लेते, तब तो इक्विलिब्रियम था, बराबर था, जितने बाहर निकले उतने अंदर चले गए, पर हो उल्टा रहा है, हो गड़बड़ रहा है। अंदर से तीन सोडियम आयन बाहर आ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, लेकिन दो पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम आयन अंदर जा रहे हैं, तो हर बार एक फालतू हो रहा है बाहर। एक तो पहले ही बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा आयन्स की, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से इसको और ज़्यादा मेंटेन किसने किया, आपने कहा और ज़्यादा मेंटेन कर दिया इस सोडियम पोटेशियम आयन पंप ने, और दिस इज द एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें एनर्जी लगती है, दिस इज द एक्टिव प्रोसेस। नीट में आया हुआ है, नीट में अभी नीट के लिए क्वेश्चन लिख देंगे अलग से। एक एटीपी में पांच आयन्स अंदर बाहर होते हैं, तीन सोडियम और दो पोटेशियम, ये अलग से लिख देंगे। फिलहाल ये हमने सोडियम पोटेशियम पंप लिख दिया, मेंटेन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द एक्सोलेमा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन। थोड़ा सा कंजस्टेड सा हो रहा है, पर आप एक दो बार अच्छे से पोज करके इसे नोट करना सब कुछ। तो समझने के लिए हमने अब इतना पोर्शन ले लिया, और ये पोलराइजेशन में, और पोलराइजेशन का मतलब होता है कि बाहर चार्ज कुछ और है, अंदर चार्ज कुछ और है। बाहर है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अंदर है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये पोलराइजेशन स्टेट हो गई। आपने कहा एक बात बताइए सर, अगर ये ऐसे होता, बाहर नेगेटिव होता बाय चांस, बाहर आयन्स कम होते अंदर आयन्स ज़्यादा होते, तो क्या तब भी हम पोलराइजेशन कह सकते थे? हमने बिल्कुल कह सकते थे, पर होता इस कंडीशन में है पोलराइजेशन, तो ये भी हुआ क्योंकि अपोजिट चार्ज है दोनों तरफ, लेकिन होता इस तरीके से, तो इसलिए पोलराइजेशन ये माला माना जाएगा। दिस इज कॉल पोलराइजेशन। तो रेस्टिंग न्यूरॉन पोलराइजेशन में है। समझने के लिए हमने इतना पोर्शन बाहर निकाल लिया जी, ये निकाल लिया जी बाहर, ठीक है जी। और ये है बाहर से इलेक्ट्रो पॉजिटिव, अंदर से इलेक्ट्रो नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव बाहर से, अंदर से इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, और ये है इस समय पोलराइजेशन स्टेट ऑफ द न्यूरॉन। और इसे लेके चल रहे हैं हम अगले पेज पर, दोबारा बनाएंगे इसे, ठीक है। पहले आप जल्दी से इसे साफ साफ नोट कर लीजिए, ठीक है, बेहद इम्पोर्टेंट है। आ जाओ बच्चों, साफ साफ कर लेना, देखो आलस मत करना, ये टॉपिक आपके स्कूल के सर जी देना चाहिए 100%, इसे लेके चलना है भाई नेक्स्ट पेज पर। आपने कहा इसे बाद में ले चलना सर, एक सोडियम पोटेशियम पंप आप बता रहे हैं नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे लिख दो सर। अपने बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी लिख देते हैं, कभी भूलोगे भी नहीं। ये एक सेल है, दिस इज द सेल, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
अंदर से 3 सोडियम आयंस बाहर कर दिए जाते हैं, ठीक है, बदले में 2 पोटेशियम आयन अंदर ले लिए जाते हैं, कुल मिलाकर के 5 आयंस 5 आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं और इसमें खर्च होता है 1 एटीपी मॉलिक्यूल। इस 5 आयंस के एक्सचेंज में 1 एटीपी खर्च होता है, तो दिस इज सोडियम पोटेशियम पंप और दिस इज द एक्टिव प्रोसेस। और ये हर मेम्ब्रेन पे अपने आप ही ऑटोमेटिकली चल रहा होता है टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस, यानी मेंटेन्स आयोनिक बैलेंस। तो यही पूछा जाता है कि 1 एटीपी 1 सोडियम पोटेशियम पंप में कितने एटीपी खर्च होते हैं, तो आप एक पर टिक लगाएंगे 1 एटीपी खर्च होता है। कितने आयंस एक्सचेंज होते हैं 1 एटीपी से, तो आप कहेंगे टोटल 5 आयंस हैं, टोटल 5 आयंस हैं। वो पता क्या कर देंगे कन्फ्यूज़न आपको, ऐसे कर देंगे, ऐसे बोथ नन ऑफ द अबव, कहीं एक कर देंगे कहीं 4 कर देंगे, आप 5 ही गिनते रहेंगे, 5 तो सब में होंगे, पर ये वाला सही है जिसमें 3। अच्छा क्या कर देंगे, एक ऑप्शन ये भी दे देंगे, लो जी हमने भी दे दिया। बच्चा क्या गया यार, सारे ये पहला तीसरा तो सही है, हमने कहा बिल्कुल, इसमें एरो लगा देंगे। हमने अब बताओ क्या सही है, आपने कहा सोडियम तो बाहर धकेले जाते हैं, तो ये सही है। यानी कि जरा सी चीज़ में से कितने सारे ऑप्शंस बन जाते हैं, कितने तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो ये तो हमें यहाँ बनाना है, पर आप पहले से नोट कर लो, अलग कहीं पर कहीं पे भी जगह हो वहाँ पे नोट कर लीजिए प्लीज़, फिर हम इसे मिटा देते हैं। चलें बच्चों जी इसे नोट करो, इम्पोर्टेंट है, सोडियम पोटेशियम पम्प जो एक्टिव प्रोसेस है। आ जाइए, रेस्टिंग न्यूरोन अपने आप में पोलराइजेशन में है, ये रहा, थोड़ा सा इसे बड़ा बना लेते हैं, ये रहा, आप जानते हैं यहाँ सेल बॉडी है, क्योंकि हमें डायरेक्शन में तो याद रखनी है ना, इम्पल्स किधर की तरफ भगानी है, सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ। अगर आपने पहला डायग्राम इधर बनाया होता सेल बॉडी, तो आपको इधर भगानी थी फिर, क्योंकि डायरेक्शन हमने यहाँ लिख दी ऑलरेडी पहले। तो इधर सेल बॉडी है, इधर एक्सोन एंड है, और आप जानते हैं बाहर से इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अंदर से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव दिस इज पोलराइजेशन, ठीक। अब यहाँ पर हमने एक स्टिमुलस दे दिया समझाने के लिए, एक स्टिमुलस दिया हमने, मान लीजिए टच कर दिया, तो स्टिमुलस पता है क्या करता है, स्टिमुलस इस रेस्टिंग न्यूरॉन की परमेबिलिटी में चेंज ला देता है, परमेबिलिटी जस्ट रिवर्स हो जाती है, जिसके लिए इम्परमेबल थी उसके लिए परमेबल हो जाती है, जिसके लिए इम्परमेबल थी उसके लिए परमेबल हो जाती है, जिसके लिए परमेबल थी उसके लिए इम्परमेबल हो जाती है, लेकिन जहाँ पे हमने टच किया वहीं की परमेबिलिटी में चेंज आता है, बाकी में नहीं आता। जैसे हम मंदिर गए या कोई त्यौहार आया, आप जानते टीका लगा देते हैं, भैया दोस्त आया या कुछ भी गृह प्रवेश हुआ तो यूजली टीका लगता है, मैरिज में भी टीका लगता है। तो हम और आप मंदिर गए तो वहाँ पर ऐसे टीका लग गया, अब यहाँ टीका लगा तो बताइए, मान लो लाल रंग का टीका है या हनुमान जी का सिंदूरी रंग का टीका है, तो यहाँ टीका लगा तो भाई कलर यही तो होगा ना, ऐसा तो नहीं कि हमने यहाँ टीका लगाया किसी के और उसका पूरा बदन पे वो फैल गया, एकदम स्प्रेड हो गया, पूरा बदन केसरी हो गया, पूरा बदन लाल हो गया, ऐसा तो नहीं है।
आपने नहीं सर, टीका जहाँ पर लगाते हैं वहीं लोकली चेंज आता है, वहीं लोकली कलर बदलता है, तो वही आप यहाँ समझ लीजिए, जहाँ स्टिमुलस मिलता है उसी जगह पर लोकली चेंज आता है, यानी कि वहीं की परमेबिलिटी में चेंज आता है। तो स्टिमुलस एक तो बहुत थोड़ी देर का होता है, थोड़ी देर के लिए चेंज लाता है, स्टिमुलस चेंजेस द परमेबिलिटी ऑफ न्यूरल मेम्ब्रेन, यानी कि एक्सोलेमा विच इज, और ये चेंज कैसा है, विच इज लोकलाइज्ड एंड टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है, थोड़ी देर के लिए है, फॉर शॉर्ट टाइम। तो जैसे ये चेंजेस आया, यानी रिवर्स हो गई, चेंजेस द परमेबिलिटी, परमेबिलिटी चेंज कर देता है, यानी कि इट बिकम्स, इट से मतलब न्यूरल मेम्ब्रेन, इट बिकम्स परमेबल फॉर सोडियम आयंस एंड इम्परमेबल फॉर पोटेशियम आयंस। तो क्या होगा, बाहर से तेजी से सोडियम आयन अंदर भागने लगेंगे, आपने कहा ऊपर और नीचे दोनों तरफ से, हमने फिर वही ऊपर नीचे की बात करने लगे, भाई मेरे ये एक्सोप्लाज्म है, अगर यहाँ टच किया तो यहाँ से भी, 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 अब यहाँ वाला तो आपको नहीं दिख रहा ना, तो आपको तो ये वाला और ये वाला भी दिखेगा, ये दो ही दिखेंगे, आपने ये वाला, हमने यहाँ से अब कैसे एंटर दिखा दें, अभी ये बता दो, समझो ध्यान से कि यहाँ से हम कैसे एंटर होते हुए दिखा दें, तो ये ऊपर नीचे नहीं है, चारों तरफ से, यानी कि यहाँ पर टच किया तो यहाँ पर चेंज आ गया लोकलाइज, और यहाँ से चारों तरफ से अंदर घुस जाएंगे आयंस, यानी कि चैनल ओपन हो जाएंगे फॉर सोडियम आयंस। अब तेजी से अंदर जाने लगे तो थोड़ी देर में क्या होगा, कुछ ही सेकंड में क्या होगा, सेकंड के भी मामूली सेकंड में, जब आयंस यहाँ से अंदर जाने लगेंगे, अंदर बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, तो बाहर आयंस कम हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, अंदर आयंस ज़्यादा हो गए तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, लेकिन चेंजेस लोकल था, बाकी ये तो नहीं कि भाई सब जगह की परमेबिलिटी बढ़ सब चेंज हो गई, रिवर्स हो गई, सब जगह से सोडियम आयन अंदर जाने लगे, अंदर जाने लगे, अंदर जाने लगे, सिर्फ कहाँ से, जहाँ स्टिमुलस दिया वहीं की परमेबिलिटी में चेंज आया, एंड इट बिकम्स रिवर्स्ड, इट बिकम्स परमेबल फॉर सोडियम आयंस एंड बिकम्स इम्परमेबल फॉर पोटेशियम आयंस। और वहाँ पर क्या हुआ, उस एरिया में जिसे हम ए साइट कह सकते हैं, भाई चलो ए साइट कह दिया, जो चार्ज है वो रिवर्स हो गया, बाहर से इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गया और अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि आयंस अंदर ज़्यादा है, तो यहाँ पोलराइजेशन का उल्टा हो गया, डीपोलराइजेशन, तो यहाँ पर क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हो गया, डीपोलराइजेशन ही एक्शन पोटेंशियल है, परमेबिलिटी में चेंज आ गया, चार्ज में चेंज आ गया, तो यही एक्शन पोटेंशियल है, यही नर्व इम्पल्स है, ये नर्व इम्पल्स बन गई। तो नर इम्पल्स कैसे बनती है, हेडिंग थी जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर इम्पल्स, तो नर इम्पल्स कैसे बनी, जब रेस्टिंग एक्सोन के अंदर, न्यूरॉन के एक्सोन के अंदर एक स्टिमुलस मिला तो परमेबिलिटी रिवर्स हो जाती है, और इट बिकम्स परमेबल फॉर सोडियम आयंस एंड इम्परमेबल फॉर पोटेशियम आयंस। तो सोडियम आयन बाहर ज़्यादा थे, अंदर की तरफ भागने लगे, आयंस का अंदर की तरफ जाना, किसी सेल के अंदर अगर आयंस जाते हैं, आयंस जाते हैं तो इसको एक टर्म देते हैं, आयंस बाहर आते हैं तो उसको भी एक टर्म्स देते हैं। आपने कहा वो क्या कहते हैं सर, हमने कहा अंदर जाते हैं तो इनफ्लक्स, तो यहाँ इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस हो गया, कोई आयन अगर बाहर जाते हैं तो इफ्लक्स, इफ्लक्स, इनफ्लक्स हो चाहे इफ्लक्स हो, कुल मिला के फ्लक्स मूवमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड
फ्लक्स मूवमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड फ्लक्स। अगर अंदर की तरफ है तो इनफ्लक्स, बाहर की तरफ है तो इफ्लक्स। देखो फ्लक्स दोनों में है। फ्लक्स मतलब मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सेल के अंदर की तरफ है, सेल के अंदर की तरफ है तो इनफ्लक्स, बाहर की तरफ है तो इफ्लक्स। रट गई बात? आपने कहा सर ये तो डिपोलराइजेशन हो गया, क्योंकि पोलराइजेशन का उल्टा, डी मतलब उल्टा, डी मतलब उल्टा, अपोजिट। पोलराइजेशन का उल्टा है तो डिपोलराइजेशन। सर बाकी हमने, बाकी तो सारा पोलराइजेशन में है। दिस इज द पोलराइजेशन, बाहर से इलेक्ट्रो पॉजिटिव, अंदर से इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो दिस इज द पोलराइजेशन, हो गई बात। लेकिन ये एक टेम्परेरी चेंज था। और स्टिमुलस क्या करता है? ओपन्स द आयंस या आयन चैनल्स फॉर पोटेशियम आयंस। इसलिए इनफ्लक्स हुआ, इसलिए यहाँ पर इनफ्लक्स हुआ सोडियम आयंस का, सोडियम आयंस का, और वो तेजी से अंदर गए तो कुल मिलाकर बाहर आयंस कम हो गए और अंदर ज़्यादा हो गए तो चार्ज बदल गया। अब क्या होगा? थोड़ी देर के लिए ओपन होते हैं फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ सेकंड के लिए भी नहीं होते, उसके बाद क्लोज हो गए, जितने आने थे अंदर आ गए। अब ये सोडियम आयंस क्या करेंगे? अब ये ज़्यादा यहाँ पर है तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपने कहा बिल्कुल जाएंगे। हमने इधर ज़्यादा है इधर कम है तो यहाँ से आयंस इधर आएंगे कि नहीं आएंगे? भैया कोई मेम्ब्रेन कोई है, ये तो हमने समझाने के लिए बताया कि भाई इतना ही इस जगह में चेंज आया है। कभी आप सोचे कोई मेम्ब्रेन लगा दी, सर आपने बैरियर लगा दिया गुरु जी, अब तो आयंस इधर उधर जाएंगे नहीं, तो भाई ये तो एक समझाने के लिए लाइन थी। तो बाहर से देखो अंदर जाने लगे, पीछे की तरफ जाने लगे, ए साइट पर जाने लगे, इसे बी साइट मान लेते हैं, तो बी साइट से ए की तरफ जाने लगे और अंदर की तरफ ए से बी की तरफ जाने लगे। तो धीरे धीरे यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, देखो यहाँ से चले इधर ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ से चलेंगे इधर ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्या ये चीज़ आगे नहीं खिसक गई? आपने बिल्कुल खिसक गई। हमने चलते ही बनाते हैं एक डायग्राम और तभी मज़ा आएगा। ये देखो जी, हालांकि बुक में एक ही डायग्राम से सब कुछ बना दिया गया है। तो भाई ये था यहाँ पर, अब इधर से आयंस इधर आने लगे तो इधर फिर से इलेक्ट्रो पॉजिटिव, बाहर की तरफ, यहाँ से जाने लगे तो इलेक्ट्रो नेगेटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब ये चीज़ इधर खिसक गई इधर, क्योंकि इधर से मूव करा है, आयंस मूव गए हैं करके गए हैं तो इलेक्ट्रो नेगेटिव। आपने कहा सर ये किसी और कलर से बना दो तो थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। हमने लो जी ये तो आप सही आइडिया दे रहे हैं, कभी कभी आप बहुत अच्छे आइडिया दे देते हो गुरुजी को। ये देखो जी, हाँ जी, इधर से इधर गए थे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, अंदर से यहाँ हो गया। आपने कहा डीपोलराइजेशन आगे खिसक गया, हमने यहाँ क्या, यहाँ बताओ आपने, यहाँ तो पोलराइजेशन ही है सर, बाहर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अंदर से इलेक्ट्रो नेगेटिव, दिस इज पोलराइजेशन। यहाँ पर क्या आ गया? डीपोलराइजेशन। यहाँ पे फिर से पोलराइजेशन, लेकिन फिर से दोबारे से, दोबारे के लिए री लगाते हैं तो रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। तो यहाँ फिर से पोलराइजेशन हुआ तो रीपोलराइजेशन। अब क्या होगा? आपने कहा तो हमें समझ में आ गया, इधर आयंस जाएंगे, इधर से इधर आएंगे, फिर ये यहाँ 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 करते करते एग्जोन एंड आ जाएगा। आपने कहा अल्टीमेटली एग्जोन एंड पर पहुँच गई सर इम्पल्स, उसके बाद क्या? हमने कहा दूसरे न्यूरॉन में जाएगी, यहाँ से दूसरे न्यूरॉन में एंटर करेगी, कैसे करेगी वो अलग टॉपिक है।
वो अलग टॉपिक पढ़ेंगे। साइनेप्स यानी दो न्यूरोन का जंक्शन जोड़ क्या कहलाता है, तो आप कहते हैं साइनेप्स। लेकिन क्वेश्चन ये था हाउ नर्व इम्पल्स इज कंडक्टेड, तो समझ में आ गया कैसे कंडक्ट होती है, कि जैसे हम स्टिमुलस देते हैं तो वहाँ की परमेबिलिटी में चेंज आता है और चैनल सडनली एकदम एक सेकंड के लिए भी नहीं, उससे भी कम टाइम में के लिए ये आयन चैनल ओपन होते हैं, सोडियम आयन अंदर एंटर कर गए और उसके बाद ये चैनल क्लोज। तो कुल मिला के आयन इतने ज़्यादा आयन्स का इन्फ्लक्स हो गया कि अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बाहर नेगेटिव हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया, एक्शन पोटेंशियल बन गया, नर्व इम्पल्स बन गई। कंडक्शन कैसे होता है, आउटसाइड की तरफ बी से ए की तरफ आते हैं और अंदर की तरफ बी की तरफ जाते हैं, तो धीरे धीरे ये चेंजेस, ये चार्जेस, ये डीपोलराइजेशन आगे की तरफ मूव करता रहता है, करते करते एक्सोन एंड की तरफ चला जाता है। तो दिस इज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सर। हमारे हिसाब से 5 मार्क्स का तो ये देंगे ज़रूर, किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हो। बहुत रेयर चांस है कि ये 3 मार्क्स का आएगा, बहुत रेयर चांस है, रेयर। वैसे यही है हमारी पसंद तो कि 5 नंबर का आना चाहिए। इसको नोट करिए, इसको नोट करने के बाद पता आप क्या करने वाले हैं, इसके बाद आप सर्जी का देखो आज तक पूरे साल तक कहना मानो ना मानो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी नहीं हमें किसी की बात अच्छी लगती, पर जब कोई ये कहे कि सर आज तो कहना मान लो तो उसकी फिर मान लेनी चाहिए, आज हमारा कहना मान लेना। आप ज़रूर इसे नोट करने के बाद पेज नंबर 317 पर ये रहा टॉपिक जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। इससे आगे पढ़ना ही मत, अभी और क्लास बची हो चाहे और हम टॉपिक कराने वाले हो उसे मत पढ़ना, यहाँ तक नोट करके पॉज करके छोड़ दीजिए और पहले इस पर रीडिंग मार लीजिए, पहले इस पर रीडिंग मार लीजिए इस पूरे टॉपिक पर। ये रहा देखो वही है, बिल्कुल वही है सेम, बस हमारे डायग्राम ज़्यादा हैं। पूरी यहाँ तक रीडिंग मार लेना, आपसे हाथ जोड़ के एक नम्र निवेदन है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। पूरे साल कहना नहीं माना, हम खुद कहना नहीं माना कोई बात नहीं, पर आज तो इज्जत रख लो, आज सर की बात का मान रख लीजिए, थोड़ा सा रेस्पेक्ट कर लीजिए कि पूरा यहाँ तक नोट करने के बाद, सब कुछ नोट करने के बाद पॉज कर दीजिए, अगला टॉपिक अटेंड ही मत करो, ये पहले इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। पेज नंबर 317 पर राइट हैंड साइड पर जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, जब ये पूरी रीडिंग मार लो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी, फिर उसके बाद इसे लिख दो, पहले पढ़ लो फिर लिख दो, लिखने के बाद फिर अगला टॉपिक अटेंड करो जो भी इसके बाद आने वाला है। बस हमारे कहने से कहना मान लो, जब आपने पूरे साल रिस्पेक्ट करी है, इज्जत करी है, कहना माना है, या आपने जब 11th की बायोलॉजी हमें सौंप दी कि सर 11th की बायोलॉजी आप ही कराएंगे, हमें पूरा कोर्स आप कराएंगे, तो फिर जैसे हम कह रहे हैं, जैसे हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर वैसे हो, विश्वास तो करो किसी पर, पूरा करो, अंधा करो नहीं तो फिर करो मत। ऐसा नहीं है कि पढ़ेंगे आपसे और आप ही की नहीं मानेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, आप ही को नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आज क्या ना मानोगे, नोट करके यहीं पॉज कर दीजिए, पहले एक रीडिंग मार लीजिए, फिर कॉपी में कॉपी कर लीजिए, अपने रजिस्टर में कॉपी कर लीजिए, उसके बाद अगली क्लास अटेंड करिए, ठीक है। जल्दी करो बच्चों प्यारे, आ जाओ बच्चों, हो गया जी। जो आपसे देखो अब कही है उस बात को टालना मत प्लीज, ठीक है प्यारे बच्चों। पहले रीडिंग मारना, फिर कॉपी करना और फिर अब ये टॉपिक समझना है आपको, ठीक है। हेडिंग है ट्रांसमिशन ऑफ, हेडिंग है, एक मिनट रुक जाओ, जरा पेन हम सजा लें अपने, आपने कहाँ सजाने, हमने कहा बस जब ऑफलाइन आया करोगे तब दिखेगा आपको कहाँ से जाते हैं हम पेन। हाँ जी, हेडिंग है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। जैसे अभी आपने पढ़ा कि ये लगातार इम्पल्स यानी कि डीपोलराइजेशन मूव करता करता अल्टीमेटली एक्सोन एंड की तरफ चला गया, तो दिस इज न्यूरॉन एक्सोन टर्मिनल और ये दूसरा न्यूरॉन एक्सोन टर्मिनल और ये ऐसे, कहने का मतलब धीरे धीरे एक के ऊपर एक के बाद ये जुड़ते चले जा रहे हैं। तो जहाँ ये दो न्यूरॉन जुड़ते हैं ना, ये जहाँ दो न्यूरॉन एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में है,
यानी कि जंक्शन ऑफ टू और मोर न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। दो या दो से ज़्यादा न्यूरॉन जहाँ मिले होते हैं, यहाँ और भी हो सकते हैं, यहाँ और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा न्यूरॉन जहाँ मिलते हैं उस जॉइंट को, उस जोड़ को, उस पॉइंट को साइनेप्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड साइनेप्स, साइनेप्स आने के पूरे चांस हैं आपके स्कूल के अंदर, ठीक है, साइनेप्स। अब साइनेप्स मतलब तीन तरह के हो गए इस तरीके से। तो आपने कहा सर ये एक एक्सोन है, एक ये साइनेप्स हो गया, दो न्यूरॉन यहाँ भी जुड़े हैं सर, एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है, यहाँ भी जुड़े हैं सर, और सर एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है, यहाँ भी दो जुड़े हैं। हमने बेटा ये तीन साइनेप्स ज़रूर आप दिखा रहे हैं पर सही यही है, बाकी ये गलत है। ऐसा दुनिया में कहीं पर साइनेप्स नहीं होता जहाँ पर दो एक्सोन एंड साथ साथ हो, क्योंकि इम्पल्स यहाँ से ट्रांसमिट ही नहीं होगी, इम्पल्स हमेशा सेल बॉडी से एक्सोन एंड की तरफ जाएगी, तो बस यहीं होकर रह जाएगी, क्योंकि एक्सोन एंड से सेल बॉडी की तरफ ही जाती है, यहाँ से जंप कर जाएगी फिर ऐसे चलेगी। यानी जो ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन वो थ्रू द साइनेप्स होता है, और साइनेप्स हमेशा एक्सोन एंड और सेल बॉडी के बीच में बनता है, यानी कि एक न्यूरॉन का एक्सोन एंड, दूसरी बॉडी का, दूसरे न्यूरॉन का सेल बॉडी। यहाँ से इम्पल्स ऐसे जाएगी, यहाँ से बनेगी, यहाँ से जनरेट होगी, यहाँ जाएगी, तो बताइए ट्रांसमिशन कैसे होगा। तो ये दोनों साइनेप्स गलत हैं, ये दोनों साइनेप्स गलत हैं, सही साइनेप्स है ये वाला, ये पॉइंट याद रखेंगे। तो आपने कहा साइनेप्स की सही परिभाषा क्या है, हमने सारी परिभाषा लिखेंगे, पहले सीख तो लो। दो न्यूरॉन जहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं वो पॉइंट साइनेप्स कहलाता है, पर अभी अच्छी भाषा में नहीं सिखा पा रहे क्योंकि जब तक डिटेल में नहीं सिखाएंगे। और ये दो प्रकार के होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक गैप है, इस गैप को सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये जो गैप है ये फ्लूड फिल्ड गैप है, यहाँ फ्लूड भरा हुआ है। आपने कहा यहाँ फ्लूड भरा हुआ है, हमने हाँ जी, आपने क्यों, हमने चारों तरफ फ्लूड ही नहीं है भैया, बॉडी फ्लूड नहीं है चारों तरफ, तो यही स्पेशल कौन सा होगा, यानी कि हर न्यूरॉन के चारों तरफ ही बॉडी फ्लूड है, तो इसलिए कोई सरप्राइज की बात ही नहीं कि यहाँ फ्लूड है सर, ठीक है। तो दो तरह के साइनेप्स होते हैं, अगर सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है तो वो कहलाता है, यानी कि अगर स्पेस है, अगर ये दोनों जुड़े नहीं हैं, सेपरेटेड हैं एक स्पेस से, तो इसे कहते हैं केमिकल साइनेप्स, इसे बोलते हैं केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स का मीनिंग हो गया हैविंग हैविंग सिनेप्टिक क्लेफ्ट, हैविंग सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि दे बोथ दीज न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड विद ए स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और जहाँ पर ये एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में है, टच में है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो देर आर टू टाइप ऑफ साइनेप्स, साइनेप्स इज जस्ट, साइनेप्स रिप्रेजेंट ओनली द जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स, जहाँ दो न्यूरॉन एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन अगर ऐसे मिलते हैं तो इलेक्ट्रिकल, ऐसे मिलते हैं तो दिस इज कॉल्ड केमिकल। आपने कहा चलो सर ऐसे मिलते तो समझ में आ गया, इम्पल्स फ्लो कर रही है डायरेक्ट इधर से इधर चली गई, पर सर अगर गैप है तो फिर कैसे जाएगी, हमने वो हम सिखाएंगे ना, उसके लिए वेट करना पड़ेगा ना आपको। तो एक है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हैविंग नो, याद रखना, हैविंग नो सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक। तो बच्चों रात हो रही है गहरी, 12:15 से ऊपर बज रहे हैं, तो बाहर ये डॉग वगैरह की भूत प्रेतों की आवाज़ आएगी, तो आप घबराना मत, हम हैं आपके साथ, ठीक है। ये बाहर भूत चल रहे हैं, डॉग उन्हें देख देख करके भौंक रहे हैं बेचारे, तो घबराना नहीं है। कभी आप आवाज़ सुनकर डर जाएं, सर आपके पीछे किसी भूत प्रेत की आवाज़ आ रही है, तो सर से सारे भूत प्रेत डरते हैं, सर जिन हैं आपके, ठीक है। आइए तो इसको थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं, इतने पोर्शन को समझने के लिए, और अच्छा समझने के लिए ये याद रख लीजिए, नीट में जो ये फाइनल डायग्राम बनेगा ये नीट में आया हुआ है। देखिए हमने इसी नीले पेन से ही दिखाते हैं, ये एक्सोन एंड आ गया भाई, ये रहा,
ये एक्सोन टर्मिनल एक दिखा देते हैं, ये सिनेप्टिक वेसाइकिल हो गया, आपने कहा जी ये एक्सोन एंड हो गया, ये एक्सोन टर्मिनल हो गया, ये सिनेप्टिक नोब हो गया। हमने लास्ट क्लास में सिनेप्टिक नोब में कुछ पाउच पढ़ाए थे अगर याद हो, आपने कहा शायद सिनेप्टिक वेसाइकिल थे और उसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए थे, हमने कहा यस। तो दिस सिनेप्टिक नोब, ऑल दिस सिनेप्टिक नोब्स कंटेन्स पाउच लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड सिनेप्टिक वेसाइकिल एंड दे कंटेन द केमिकल विच आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर एंड विच हेल्प इन ट्रांसमिशन और नर्व इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरोन टू नेक्स्ट न्यूरोन अक्रॉस द साइनेप्स। तो दिस इज सिनेप्टिक नोब। फिर ये नेक्स्ट वाला, यानी कि एक न्यूरॉन ये है, नेक्स्ट न्यूरॉन। तो भाई एक बात बताइएगा, ये भी तो न्यूरॉन ही था भाई, ये भी तो न्यूरॉन है, साइनेप्स है, साइनेप्स से पहला न्यूरॉन ये है, पहला फर्स्ट, इसके बाद ये है, पहले का लगता है प्री, तो ये हो गया प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, आपने कहा प्री सिनेप्टिक, हमने देखते हैं बुक में मेंशन है ये पॉइंट या नहीं है, दिया हुआ भाई, मतलब पूरा तो नहीं दिया पर पूरा लिख देते हैं, हाँ जी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया, यानी कि सिनेप्स से पहले, साइनेप्स से पहले, ये साइनेप्स है, ये साइनेप्स है, दिस इज द साइनेप्स, और उससे पहले जो ये है ये प्री सिनेप्टिक हो गया न्यूरॉन, और ये बाद में, बाद के लिए पोस्ट लगता है, तो ये वाला न्यूरॉन क्या हो गया, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। आपने गुरुजी एक बात बताइए, अगर आप यहाँ बना देंगे और ये साइनेप्स तो प्री हो गया हमने, हाँ जी इसके लिए ये प्री है, इसके लिए ये पोस्ट है, पर इसके लिए ये पोस्ट है, इसके लिए ये प्री है, बात समझ में आ गई, जैसे ये आपके बाबा जी हैं, पापा जी हैं, ये आप हैं, आपके लिए ये पापा हैं और इनके लिए ये पापा हैं, ठीक है ऐसे समझ लीजिए। तो दिस इज प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, दिस इज पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, देखिए जरा जी, एक्सोन एंड टर्मिनल, दिस इज सिनेप्टिक नोब, ये तो मेम्ब्रेन हो गई प्री सिनेप्टिक की, ये हो गई पोस्ट सिनेप्टिक की, ठीक है, यानी कि दिस इज एक्सोन एंड, खाली एक्सोन भी चल जाएगा, एक्सोन टर्मिनल, सिनेप्टिक नोब, ये क्या है आपने कहा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, हमने राइट, और हमने कहा ये स्पेस, आपने कहा इस स्पेस का नाम है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और हमने कहा जिसमें स्पेस हो तो ये हो गया केमिकल साइनेप्स, दिस इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये मेम्ब्रेन, आपने कहा जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन थी आपने उसे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा, तो ये पोस्ट हो गई, दिस इज द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, हमने राइट। तो हमने साइनेप्स क्या हुआ, तो साइनेप्स क्या हुआ, जहाँ दो न्यूरॉन मिले वही साइनेप्स है, और दो न्यूरॉन में क्या, जहाँ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन यहाँ से यहाँ तक ये जॉइंट ही, तो यही तो है साइनेप्स, यानी कि जहाँ पर एक न्यूरॉन का, यानी कि प्री सिनेप्टिक और एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आपस में मिलती हैं, कम्युनिकेट करते हैं, दूर से देखिए जहाँ दो न्यूरॉन मिलते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, आपने कहा उसे बोलते हैं गुरुजी साइनेप्स। तो साइनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ ए प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन,
तो दिस इज द साइनेप्स। तो बोर्ड के अंदर, उसके नीट के अंदर ये पूरा बिल्कुल एज सच प्रिंट था, इसकी लेबलिंग कराई गई थी। तो लेबलिंग आपको आनी चाहिए एक एक करके, हमने रटवाने के लिए हिसाब से नहीं बना दी कि जस्ट बना दी, समझाते हुए बनाई है। दूसरा देखिए, ध्यान से समझिए, इसके अंदर ये क्या भरे हुए हैं, आपने का सिनेप्टिक वेसाइकल्स हैं, और ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है हमने, राइट। हमने कहा यहाँ पर हमने स्टिमुलेशन दिया, नर्व इम्पल्स बनी, आगे कंडक्ट हुई, वही डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन, पीछे रीपोलराइजेशन होते 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 इधर भी गई इधर भी गई, इधर भी होगा साइनेप्स, पर हम इधर की बात करें, आते आते ये जो इम्पल्स है कहाँ पर आ गई, आपने कहा यहाँ पर आ गई एक्सोन एंड के अंदर, टर्मिनल के अंदर, हमने टर्मिनल के अंदर आ गई, सिनेप्टिक नोब के अंदर आ गई। और जैसी वैन, जब यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन या नर इम्पल्स यहाँ पहुँचती है, तो ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स, दीज सिनेप्टिक वेसाइकल्स, सिनेप्टिक वेसाइकल्स कहाँ पहुँचते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाकर अटैच करने लगते हैं। यानी कि व्हेन ए नर्व इम्पल्स इज फॉर्म्ड, इज जनरेटेड, इट इज कंडक्टेड टुवर्ड्स द एक्सोन एंड, व्हेन दिस एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स और डीपोलराइजेशन इज रीच्ड और अचीव्ड इन सिनेप्टिक वेसाइकल, सॉरी सिनेप्टिक नोब, देन व्हेन नर्व इम्पल्स, दोबारा सुन लीजिए, तीसरी बार सुन लीजिए, व्हेन नर्व इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल रीचेस टू सिनेप्टिक नोब, दिस सिनेप्टिक वेसाइकल मूव टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टूवर्ड्स द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये पहुँच गए, एंड दे रपचर्स, एंड दे रपचर्स एट द सरफेस, एंड दे रपचर्स एट द सरफेस, दे रपचर्स एट द सरफेस, एंड रिलीजेज द न्यूरो ट्रांसमीटर, एंड रिलीजेज द केमिकल्स न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ट्रांसमीटर्स ये ओपन हो गए, रिलीजेज द न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, दीज आर न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। देर आर सम आयन चैनल्स, देर आर आयन चैनल्स, आप जानते हैं आयन चैनल्स होते हैं, इसी से तो आयन अंदर आए, एक्सोन में भी होते हैं, यानी पूरी न्यूरल मेम्ब्रेन में होते हैं, दीज आर आयन चैनल्स। तो व्हेन न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट, दीज न्यूरोट्रांसमीटर स्ट्राइक विथ, बाइंड्स विथ, टकराते हैं, बाइंड विथ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड ओपन द आयन चैनल्स। और एक बार पर्दा लगा दें हम जरा, एंड ओपन द आयन चैनल्स। जैसे आयन चैनल ओपन होते हैं, जैसे ही नर्व इम्पल्स बनी, वो आगे कंडक्ट हुई, एक्सोन एंड की तरफ गई, सिनेप्टिक नोब में गई, सिनेप्टिक वेसाइकल सरफेस पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर गए, सिनेप्टिक प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर गए, वहाँ जाकर ओपन हुए, रपचर हुए, अपने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिए, ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट वाले पर नेक्स्ट न्यूरॉन की न्यूरल मेम्ब्रेन पर टक्कर मारते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर स्ट्राइक करते हैं, वहाँ बाइंड होते हैं, और वहाँ के जो आयन चैनल्स हैं उन्हें ओपन कर देते हैं। आयन चैनल ओपन होते ही आयन्स अंदर आने लगते हैं, जैसे आयन अंदर यहाँ पर आए थे, जहाँ जनरेट हुई थी वहाँ स्टिमुलस से ओपन हुए थे, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर ने ओपन करा दिए, आयन्स अंदर आए तो एक नई नर्व इम्पल्स बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, वो नर्व इम्पल्स आगे चलकर फिर आगे यहाँ जाएगी, यहाँ फिर एक इम्पल्स बनेगी, अल्टीमेटली किसी ऑर्गन में जाएगी, वहाँ किसी हार्मोन को या किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट करेगी या इनहिबिट करेगी, वो तो नर्व इम्पल्स की नेचर की अलग बात हुई। लेकिन क्वेश्चन ये था, हाउ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, तो कैसे ट्रांसमिट होती है? भाई इलेक्ट्रिकल में तो कुछ बात ही नहीं, उसमें तो डायरेक्ट फ्लो है, क्योंकि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के टच में है, क्लोज प्रोक्सिमिटी में, जैसे दो वायर है, इधर करंट छोड़ दिया, ये तो डायरेक्ट चल रहा है ना, क्योंकि कॉन्टैक्ट में है, यहाँ जॉइंट का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ तो अगर इलेक्ट्रिकल की बात करोगे, वो तो ऐसी चल रही है इम्पल, जैसे एक्सोन में चल रही है ऐसे यहाँ चल रही है, क्योंकि डायरेक्ट टच में है। ये सारा प्रोसेस न्यूरोट्रांसमीटर कब हेल्प करते हैं? व्हेन देयर इज केमिकल साइनेप्स। अगर आप केमिकल साइनेप्स की बात कर रहे हैं, तो दीज न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स
फ्रॉम वन न्यूरोन टू नेक्स्ट न्यूरोन, दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर्स। फॉर एग्जाम्पल, भूलना मत न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल, बिल्कुल मत भूलना, एसिटाइलकोलिन, बहुत तरह के होते हैं, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन भी हैं, जो आप हॉर्मोन्स भी पढ़ चुके हैं, हॉर्मोन्स भी हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं, उसके अलावा डोपामीन भी पढ़ेंगे 12th में, पर जो मोस्ट कॉमन है उसे हम बता देते हैं, एसिटाइल कोलिन, शायद आपकी बुक में ना भी हो ये, तो अगर किसी ने कहा न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताओ, एसिटाइल कोलिन बता देना, डोपामीन बता देना, ये ब्रेन में निकलता है, ऐसे याद रख लो, ये ब्रेन के लिए है, ब्रेन में निकलता है, बाकी और जगह एसिटाइल कोलिन निकलता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। तो जल्दी से बनाइए बच्चों, फिर दो चार लाइन लिखनी है, ठीक है, पर थोड़ा तेज करिए। चले आइए, दो लाइन छोड़कर इस डायग्राम के बाद, ए नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट और अनदर न्यूरॉन अक्रॉस द साइनेप्स। व्हाट इज साइनेप्स? और टेक्निकल लिखते हैं, ए जंक्शन बिटवीन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। याद रहेगा, एट साइनेप्स बोथ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन मे बी सेपरेटेड कौन से साइनेप्स में सेपरेट रहते हैं? आपने कहा जी केमिकल, और मे नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। पहले लिख देते हैं लाइक इन, नहीं, हाँ जी, सेपरेटेड में केमिकल और नॉट सेपरेटेड में इलेक्ट्रिकल। मे नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू ए फ्लूड फिल्ड स्पेस और गैप कॉल्ड सिनेप्टिक
क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो याद रखेंगे बच्चों, यानी कि दो तरह के साइनेप्स हो गए। अगर सिनेप्टिक क्लेफ्ट है तो वो कहलाता है केमिकल, अभी यहाँ भी लिखा था पिछले डायग्राम में, पोज करके देख सकते हैं। और अगर डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, स्पेस नहीं है, तो वह इलेक्ट्रिकल है। जल्दी से नोट करो इसे। अगर इलेक्ट्रिकल है तो इंपल्स का फ्लो डायरेक्ट है, केमिकल है तो विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि साइनेप्सेस दो प्रकार के हो गए, एक इलेक्ट्रिकल और एक केमिकल। बोथ प्रीसिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मीनिंग हैविंग नो सिनेप्टिक क्लेफ्ट। व्हाट इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट? फ्लूड फिल्ड गैप और स्पेस। ठीक, दो लाइन छोड़कर, इसके अंदर क्या होता है? नर्व इंपल्स का कंडक्शन कैसा होता है? फ्लो होता है, डायरेक्ट फ्लो होता है। देयर इज डायरेक्ट फ्लो ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस, कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होते क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, क्लोज टच में है, अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस लाइक एक्सोन। तो वहाँ न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, वो टकराते हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो वहाँ पर इंपल्स की स्पीड थोड़ा स्लो हो जाती है क्योंकि एक न्यूरॉन के बाद न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, अगले में निकलेंगे, क्लेफ्ट में निकलेंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, फिर वहाँ पर वो आयन चैनल्स को खोलेंगे, फिर एक नई इंपल्स बनेगी, और जबकि यहाँ डायरेक्ट चलता है तो इसलिए इसके अंदर फ्लो तेज होता है। द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इज ऑलवेज फास्टर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एज कंपेयर्ड टू केमिकल साइनेप्स या साइनेप्सेस। ये अलग से नीचे लाइन लिखनी है पूरी की पूरी। आओ जी यहाँ पर आ जाओ। बोथ प्रीसिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड थ्रू ए फ्लूड फिल्ड स्पेस कॉल्ड
सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, एंड सच, तो और डेफिनेशन के स्टाइल में लिख लेते हैं, चलो जी, और अच्छा सेंटेंस हो जाएगा, ध्यान आ गया, कॉमा, सच साइनेप्सिस आर कॉल्ड, कहीं व्हाट डू मीन बाय आ गया तो आप सेम लिख देना, आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, ऐसे यहाँ लिख देते, व्हेन बोथ ये और ये सच साइनेप्सिस आर कॉल्ड केमिकल साइनेप्सिस, ठीक है, जल्दी नोट करो बच्चों, फिर एक टॉपिक और करते हैं अभी आगे। मिटा दें जी, लो जी, देखिए आप ये तो आप जानते हैं, ये ब्रेन है हमारा, ये पूरा ब्रेन है, कल अगली क्लास में इसके टाइप पढ़ेंगे, आगे का फोर ब्रेन, बीच में मिड ब्रेन, पीछे हिंड ब्रेन, पर है तो ब्रेन ही ना, फोर ब्रेन हो, मिड ब्रेन हो, हिंड ब्रेन हो, है तो ब्रेन, और ये ब्रेन ना यहीं से सारी कमांड जाती है, यहीं से पूरी बॉडी में कंट्रोल होता है हमारी, ये वॉलंटरी मूवमेंट, हम आपकी तरफ बढ़ गए ऐसे, ये वॉलंटरी मूवमेंट, हमारा विजन, हमारी हियरिंग, हम बोल रहे, स्पीच, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा टेस्ट, ठीक है, हमारा सूंघने की ताकत, ओल्फैक्शन, सब कुछ को ये कंट्रोल करता है, तो एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है हमारी बॉडी का, हमारे कौन से ग्लैंड से हार्मोन निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, हार्ट की स्पीड कब बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, लंग्स कब हम सांस तेज़ी से लेंगे, कब नहीं लेंगे, भागेंगे तो अपने आप तेज हो जाएगा, यानी ऑल एक्टिविटीज़ आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, और ब्रेन और इसकी टेल स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बन जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हेडिंग डालते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, भाई पहले पेन सजा लेते हैं भाई अपने अड्डे पर, आओ, आपने क्या तो डलवा चुके हैं, हमने कोई बात नहीं, दोबारा तो डल सकती है भाई, अनिकेत जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है, कंप्राइजेस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और आप जानते हैं हमारा ब्रेन हमारी स्कल में, इस खोपड़ी में बंद है, और जो जस्ट इसको प्रोटेक्ट कर रहा है क्रेनियम है, क्रेनियम स्पाइनल कॉर्ड। तो पहले बात चलेगी ब्रेन की, ब्रेन इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जहां पर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी, अगली लाइन, ब्रेन एक्ट्स एज कमांड, कमांड यही देता है भाई, कमांड एंड कंट्रोल, इसकी तो इनको वास्तव में भाई खत्म हो चुकी है, कंट्रोल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, अगली लाइन, ब्रेन इज
वेल प्रोटेक्टेड विद इन बोनी बॉक्स, बोन से बना हुआ बॉक्स है, कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, और ब्रेन बॉक्स का टेक्निकल नाम है क्रेनियम। यानी जो हमारा ये भाई हेलमेट दिख रहा है ना, इतना मजबूत हेलमेट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाइक पे हेलमेट नहीं लगाएंगे। पापा जी को और आप भी, कोई भी घर में बाइक या स्कूटी चलाता है, बिना हेलमेट के बिल्कुल ना निकलना, प्लीज़ एक सर की रिक्वेस्ट मान लेना। नेचर ने प्रोटेक्ट किया है, पर चलते वक्त कि जब हम चलेंगे दौड़ेंगे भागेंगे तो, और ये सड़क भी पत्थर हमने बनाए हैं, मिट्टी पे गिरने पे कभी सर नहीं फटता, तो कुदरत ने उसी के हिसाब से बनाया था। पर हमने और आपने साइंस को डेवलप किया, हमने बड़ी बड़ी मजबूत सड़कें बनाई, घर में ये नुकीले स्टूल बनाए, चेयर बनाई, दीवारें बनाई, तो इनमें टकरा के टूट सकता है। तो इसलिए जब आप तेज स्पीड पर चलें और बाइक स्कूटी पर चलें तो प्लीज़ हेलमेट ज़रूर लगाइएगा। ये मत कहना सर ने कहा था हमारा नेचुरल हेलमेट क्रेनियम है, ये मत कहना प्लीज़। तो ब्रेन इज़ वेल प्रोटेक्टेड विद इन बोनी बॉक्स कॉल्ड ब्रेन बॉक्स। ब्रेन कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, जो हम इधर से उधर अपनी मर्जी से तो जाते हैं, कहीं पे भी जाना हो। हाँ जी, बैलेंस कंट्रोल्स द बैलेंसिंग, यहाँ से पढ़ना हर लाइन को, कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट, कंट्रोल्स द ब्रेन कंट्रोल्स द बैलेंसिंग ऑफ बॉडी कंट्रोल्स द टेस्ट कंट्रोल्स द और भाई ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इन्हें साथ साथ लिख देते हैं, खाना पीना वो यही कंट्रोल करता है। आगे और पहले प्लीज़ नोट करो, जल्दी से थोड़ा तेज़ी से नोट कर लो। हाँ जी, आपने कहा ईटिंग से मतलब क्या है, हमने खाने के लिए, यानी कि अच्छा एक बात बताइए, अगर पानी की प्यास लग रही है तो क्या कहोगे? आपने कहा थर्स्ट कहेंगे, हमने भूख लग रही है तो क्या कहोगे? हंगर कहेंगे। तो ईटिंग की जगह आप हंगर भी लिख सकते हैं, ईटिंग की जगह हंगर भी लिख सकते हैं, और ड्रिंकिंग की जगह थर्स्ट लिख सकते हो। ये थोड़ा टेक्निकल हो गए पर मिटा देते हैं, आप लिख लीजिए ईटिंग की जगह ये लिख लो, ये ज़्यादा टेक्निकल है। हाँ जी, इसके अलावा कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ वाइटल, इम्पोर्टेंट है बट इनवॉलंटरी, हमारी इच्छा पे काम नहीं करते, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स लाइक हार्ट, इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इनवॉलंटरी है, तो आप जानते हैं उसकी जब हम भागते हैं तो कैसे ऐसे नोड की स्पीड को बढ़ाई जाती है, पैरासिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल करते हैं, किडनीज एट्सेट्रा। पूरे दिन भर की 24 आवर की एक रिदम को मेंटेन करते हैं हम, कब जागेंगे कब सोएंगे। आपने कहा तो हार्मोन भी था हमने, हाँ पीनियल ग्लैंड से निकलने वाला था मेलाटोनिन, पर ब्रेन का भी तो रोल है साथ में, खाली हार्मोन्स का थोड़ी, हार्मोन को खुद ब्रेन कंट्रोल करता है। और 24 आवर की उस रिदम को, बॉडी की रिदम को कहते हैं सर्केडियन, बहुत से सर्केडियन भी बोल देते हैं, सर्केडियन यानी 24 आवर्स, सर्केडियन रिदम्स ऑफ बॉडी। उसके अलावा स्पीच इंटेलिजेंस इमोशंस थॉट्स, आपके क्या विचार आ रहे हैं, सब ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है,
कंट्रोल्स द प्रोसेसिंग ऑफ विजन, दिखवाता भी यही है, सुनवाता भी यही है, ओल्फैक्शन सूंघने में भी यही मदद करता है, क्योंकि नाक सिर्फ मैसेज ब्रेन तक भेजती है, कान इम्पल्स ब्रेन तक भेजते हैं, सुनते हम दिमाग से, टेस्ट जीभ इम्पल्स बनाकर, जैसे फूड हमने रखा टंग के ऊपर, इम्पल्स बनी ब्रेन तक गई, क्या टेस्ट है फूड में वो हम ब्रेन से समझते हैं, आँख इम्पल्स बनाकर ब्रेन तक भेजती है ऑप्टिक नर्व से, देखते हम ब्रेन से, सोता हुआ आदमी कभी नहीं देख पाता, अगर आप सोते हुए आदमी के आँख ऐसे खोल देंगे तो वो देख नहीं पाएगा, अगर आँख ही देखने के लिए सफिशियंट हैं, अगर सिर्फ ओनली आइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, तो फिर ब्रेन की क्या ज़रूरत है, फिर तो सोता हुआ आदमी भी देखना चाहिए, सोता हुआ क्यों नहीं देख पाता, क्योंकि इम्पल्स तो भेज रही आँखें, अगर आप ऐसे आँख खोल देंगे पर वहाँ रिसीव नहीं हो रही, तो दिस इज ब्रेन इज द साइट ऑफ कंट्रोल द प्रोसेसिंग ऑफ विजन हियरिंग ओल्फैक्शन टेस्ट एटसेट्रा। और ये हमारा जो ब्रेन है, आपने कहा क्रेनियम में बंद है, हमने क्रेनियम में तो बंद है पर तीन लेयर से भी प्रोटेक्टेड है, ये ब्रेन है, देखो ये ब्रेन है हमारा, ऐसे मान लो ये ब्रेन है, ये क्रेनियम है ये, और ब्रेन ऊबड़ खाबड़ होता है, जैसे अखरोट देखते हैं ना आप, ऐसे ऊबड़ खाबड़ सा होता है ये, तो दिस इज द ब्रेन, ये क्रेनियम है, ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये ब्रेन तीन लेयर से प्रोटेक्टेड है, ये ब्रेन अपने आप में तीन लेयर से प्रोटेक्टेड है, सबसे अंदर वाली जो ब्रेन के टच में है ये, फिर उसके बाहर भी है, फिर उसके बाहर भी है, इनको कहते हैं क्रेनियल मेनिंजेस, नीट में भी आ चुका है और आपके इलेवंथ में भी आ सकता है मेनिंजेस। आपने कहा आप तो हर टॉपिक को कहते हो, तो हमने और क्या कहें ये बताओ, अगर हमें छुड़वा के पढ़ाना होता तो कब का कोर्स हो जाता, बहकाना होता कब का कोर्स हो जाता, ये हम रेगुलर क्लास जब रख रहे हैं भाई, गैप नहीं कर रहे अधिकतर बार अब, तो भाई इसलिए तो कर रहे हैं ना कि जिससे कि कोर्स जल्दी हो जाए, एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं अगर हम, तो इसलिए तो कह रहे हैं कोर्स जल्दी हो जाए, पर छुटवाएं ना, टॉपिक मिस ना हो, कमज़ोर ना हो, तो इसलिए आप हर चीज़ पढ़ेंगे। तो ओवरऑल ब्रेन प्रोटेक्टेड है क्रेनियम में, पर ब्रेन की अपनी भी मेम्ब्रेन है, जैसे देखो हमने हेलमेट पहन लिया, तो हेलमेट तो हो गया क्रेनियम, पर ये जो बाल हैं, ये खाल है, ये भी तो ब्रेन की प्रोटेक्टेड है, तो ये क्रेनियल मेनिंजिस है, क्रेनियल लगता है क्रेनियम के लिए, तो क्रेनियम के अंदर भी मेम्ब्रेन्स हैं जो ब्रेन को डायरेक्ट प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो ऐसे समझो ध्यान से भाई, रटवाएंगे नहीं हम, ये ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर ये तीन लेयर चढ़ी हुई है, क्रेनियल मेनिंजिस ये तीन लेयर चढ़ी हुई है, इसके ऊपर ये क्रेनियम है मजबूत। तो ये तीन लेयर कौन कौन सी है इसे पढ़ते हैं, पहले जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट, इतना आओ जी बच्चों, ब्रेन इज वेल एनवेलप्ड विद इन थ्री प्रोटेक्टिव लेयर्स कॉल्ड क्रेनियल मेनिंजेस। आपने क्या नाम है, नेमली, हमने पहले यहां देखो नेमली की बातें बाद में करना, ये ब्रेन है भाई, चलो साइड व्यू दिखा देते हैं, यहाँ से दिखा देते हैं, ये ब्रेन है भाई ये, ठीक है, और ये उसकी टेल है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये नीले रंग का ये ब्रेन है ये, और जो प्रोटेक्टिव कवरिंग ब्रेन की है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड की भी है। आपने क्या मतलब, हमने मतलब अभी देखते रहो जरा, जब डायग्राम बनेगा ना
पूरा, तब आपको बड़ा मज़ा आएगा कि भाई मज़ा आ गया गुरुजी, तो ये तो ब्रेन है, ऊबड़ खाबड़ है। अगली क्लास में ऊबड़ खाबड़ का नाम पढ़ेंगे कि जो फोल्ड दिखने, कुछ उभार हैं, कुछ गड्ढे हैं अखरोट की तरह, कोर्स में तो नहीं है पर नाम बताने पड़ेंगे। सुल्की एंड गायरी, आपने बड़े अटपटे से नाम है, हमने बिल्कुल अटपटे तो है, ये ब्रेन है। तो प्यारे बच्चों जी, ये जो सबसे अंदर की लेयर है, जो बिल्कुल ब्रेन के टच में है, ब्रेन टिश्यूज के टच में, रेड वाली, इसका नाम है पाया मैटर, PIA पाया मैटर। और ये ऐसे ही नीचे स्पाइनल कोड की भी मेम्ब्रेन है, ये बेसिक बुक नहीं बता रही पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस लेयर का नाम है पाया मैटर, जो सबसे अंदर वाली ये, और ये बिल्कुल ब्रेन के टच में है, ये बिल्कुल ब्रेन के टच में है ये, कोई ब्रेन में और इस पाया मैटर में स्पेस नहीं है, ठीक है, स्पेस नहीं है। फिर दूसरी मेम्ब्रेन आई ये, लेकिन इस अंदर वाली PIA पाया मैटर, स्पेलिंग बाद में लिखेंगे, पहले साइड में लिख देते हैं, ये पाया मैटर है अंदर वाली, ये दूसरी बना रहे हैं, अंदर से बाहर चल रहे हैं, तो ये पाया मैटर, और ये जो दूसरी बना रहे हैं आर्कनोइड मैटर, दूसरी वाली है आर्कनोइड मैटर, MATER मैटर, तो इसमें स्पेस है, इसमें स्पेस है, यहाँ स्पेस है, जबकि इस पाया मैटर में और ब्रेन में स्पेस नहीं है। हालांकि आपकी बुक में बातें नहीं है पर नीट में जाना है तो हमें आनी चाहिए, नीट के लिए तो ये आनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और नीट की तैयारी कोई अलग से तैयारी नहीं होती, 11-12 जम के कर लिया ना, 75-80% बढ़िया कर लिया, 25-30% हम संडे टू संडे वाली क्लास में कर लेंगे, पर 11-12 कर लिया तो बहुत हद तक आपने नीट की तैयारी कर ली। तो ये आर्कनोइड मैटर है भाई, लेकिन इसमें स्पेस है और इसमें एक फ्लूड भी भरा हुआ है, यहाँ पर इसमें एक स्पेस भी है, इसमें फ्लूड भी भरा हुआ है, आपने क्या नाम है हमने करेंगे बात अभी, चिंता मत करो, बेसिक कोर्स में ना हो। फिर उसके बाद एक लेयर और है, चारों तरफ तीन लेयर है ना, थ्री लेयर, ये आपने कहा इसमें भी स्पेस है, हमने हाँ जी आर्कनोइड में या आर्कनोइड है मिडिल वाली, और इसमें भी स्पेस है, आउटर वाली को कहते हैं ड्यूरा मैटर, तो ड्यूरा मैटर में और आर्कनोइड मैटर में भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी एक फ्लूड भरा हुआ है, यहाँ भी एक फ्लूड भरा हुआ है। और इस ब्रेन को सेरिब्रम भी कहते हैं, ये जो हमारा ब्रेन है ये सेरिब्रम है, सेरिब्रम ही ब्रेन है, तो यानी सेरिब्रम ब्रेन है। तो सेरिब्रम के बाहर तीन लेयर है, पाया मैटर तो बिल्कुल ब्रेन के टच में है, फिर स्पेस है, फिर आर्कनोइड है, फिर स्पेस है, फिर ड्यूरा मैटर है, दिस इज द ड्यूरा मैटर, ये ड्यूरा मैटर है, ठीक है। आपने कहा जी स्पेस भी तो लिखेंगे आप, हमने लिख देंगे अभी। और ये अब है क्रेनियम, ये क्रेनियम है, आपने क्रेनियम और ड्यूरा मैटर में इस बाहर वाली लेयर में स्पेस है, हमने कहा नहीं है, ये हम समझाने के लिए थोड़ा दूर बना रहे हैं, बिल्कुल टच में है, ये क्रेनियम है, ये बोन से बनी है, ये ब्रेन बॉक्स है, बड़ा मजबूत है, पर गिर जाए तो टूट जाता है, इसलिए हेलमेट ज़रूर पहनेंगे, किसी गलत फहमी में नहीं रहेंगे कि हम हेलमेट नहीं पहनेंगे, कुदरत ने हेलमेट पहना रखा है, पहना तो रखा है पर कुदरत ने गाड़ियाँ नहीं बनाई थी। तो दिस इज़ द क्रेनियम, तो अब ज़रा इनकी लेबलिंग कर लेते हैं भाई। ये हो गया क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स, ए बोनी बॉक्स, बोन से बना हुआ बॉक्स है, फिर है ड्यूरा मैटर, DURA ड्यूरा मैटर, आउटर मोस्ट लेयर, फिर है सेकंड आर्कनोइड मैटर,
यानी मिडिल लेयर, फिर है पाया मैटर, पी आई ए पाया मैटर, इनर मोस्ट लेयर, इन प्रेजेंट इन, क्लोज प्रॉक्सिमिटी यानी टच ऑफ ब्रेन टिश्यूज। आपने कहा सर आर्क ड्यूरा, आर्कनोइड, वैसे उसका एरो ही नहीं लगाया था बेचारे गरीब का, अब बना देते। हाँ जब तो हो गए ना, प्रॉक्सिमिटी ऑफ ब्रेन टिश्यूज। आपने कहा इसका भी तो नाम लिख दो गुरुजी, हमने इसका लिख देते हैं जी, सेरिब्रम यानी ब्रेन। ठीक, हाँ जी, ये स्पेस जो ड्यूरा मैटर और आर्कनोइड स्पेस के बीच में है, यानी जो ड्यूरा के नीचे है, सबड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस। आपने कहा ठीक है, अब जो आर्कनोइड के नीचे उसका नाम हम रख देंगे, सब मतलब नीचे, सब आर्कनोइड स्पेस। आपने कहा इसके नीचे हम रख देंगे सब पाया, हमने है ही नहीं ना, रख कहाँ से दोगे, जस्ट पाए के नीचे तो ब्रेन है, तो दो स्पेस हो गए। ठीक है, इन दोनों स्पेस में यानी कि सेरिब्रम के बाहर जो स्पेस है, स्पाइनल कोड के बाहर जो स्पेस है, नीचे तक है ना ये तो मेम्ब्रेन, स्पाइनल कोड तक, तो जो फ्लूड जो इन स्पेस में फ्लूड भरा हुआ है, जो सेरिब्रम के बाहर भी है और स्पाइनल कोड के बाहर भी है, उसे कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड। दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद are filled by a fluid called cerebro spinal fluid, CSF कहते हैं, central security force मत कह देना, cerebro spinal fluid कहना, right? तो तीन membrane है namely, अब तो लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख देंगे, आपने कब तो हम लिख देंगे सर, ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट लेयर हमने कहा, दूसरी आपने कहा आर्कनोइड मैटर मिडिल लेयर, थर्ड लेयर इनर मोस्ट पी आई ए पाया मैटर, इनर मोस्ट लेयर, और ये तीनों लेयर मिलाकर क्या कहलाई थी, आर कलेक्टिवली कॉल्ड, दीज थ्री लेयर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड क्रेनियल मेनिंजिस। तो कल पढ़ेंगे, आज तो क्रेनियल पढ़ ली हमने, क्रेनियल मेनिंजेस, कल पढ़ेंगे हम ब्रेन कि यहाँ क्या क्या सेंटर हैं, क्या क्या काम करते हैं, मुलाकात होगी अगली क्लास में। तो प्यारे बच्चों कुछ ही दिन बचे हैं, बस जल्दी से बार बार पढ़िए, बार बार नोट करिए, लेकिन दो दो बार क्लास लीजिए, मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक नमस्कार, खुश रहिए।